कपड़ों की तरह दुपट्टा ओढ़ लिया। अम्मा मैं नहीं जाऊंगा छत पे कपड़े डालने के लिए। क्यों, तेरे हाथ पैरों में मेहंदी लगी हुई है? बस बोल दिया ना मैंने। अरे तू कौन सी लड़की है, छत पे जाएगा तो तुझे कोई देख लेगा। अम्मा देख लिया है। किसने देख लिया है? छोड़े ना अम्मा, अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं लड़का होकर छत पे कपड़े डालूं। अरे बेटा बात अच्छे बुरे की नहीं है, देख हम इस घर में दो लोग रहते हैं, तू कौन सा अपनी बीवी के कपड़े सुखाने ऊपर जाता है। फिर भी अम्मा मासी को बोल दिया करें। अरे मासी को देखा है, उसकी उम्र देखी है, वो बेचारी बूढ़ी औरत इन जीनों पे चढ़ के कहाँ कपड़े टांगने जाएगी। तो उसको फारिग कराएं फिर। अरे कैसी बातें कर रहा है फारिग कराएं, अरे बूढ़ी औरत है। देख बेटा गरीबों की दुआएं लेगा ना तो आगे तेरे बहुत काम आएंगी। अम्मा काम तो आना शुरू हो गई है। देखा मैंने कहा ना, अरे अल्लाह के गरीब बंदों की दुआएं लेगा ना तो अल्लाह मियां तुझे खुशियों से माला माल कर देगा, देखना। अम्मा नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशियां, अगर किसी ने देख लिया तो। अरे क्या हो गया है तुझे, लोग तो खुशियों के लिए तरसते हैं और तू, वैसे तू किस खुशी की बात कर रहा है? वो अम्मा मैं तो ये कह रहा था कि लोग आजकल किसी को खुश नहीं देख सकते, नजर लगा देते हैं। अम्मा क्या हो गया, बट्टा क्यों लेकर आई? अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, कसम ले ले मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये बट्टा मैं तुझे मारने के लिए थोड़ी लाई हूँ, तू तो मेरा इकलौता जिगर का टुकड़ा है, तेरी नजर उतारने लाई हूँ। क्या कैरेक्टर सामने रहता है, पीस है पीस। क्यों क्या हुआ बाजी? छत पर आया था, पता क्या कर रहा था? क्या? कपड़े डालना था बिल्कुल औरतों की तरह। बस मुझे शरारत सूझी, मैंने एक दो इशारे कर दिए, पहले तो समझे ही नहीं ना, इधर उधर देखने लगा हवन्नकों की तरह। हाँ तो उसे क्या पता कि वो किसके निशाने पर आ गया है। आखिर में बड़ा मजा आया, उसने माँ के दुपट्टे की ओट से मुझे यूं करके देखा तो मैंने ऐसे इशारा कर दिया। अच्छा फिर क्या, फिर तो ऐसा फुर हुआ कि जाते जाते अम्मा का दुपट्टा भी साथ ले गया। ना करे ना बाजी, क्यों तंग कर रही हो उस बेचारे को, हम कल ही तो किराए पे आए हैं यहाँ पर। तो हम कौन सा मरीख से आए, इसी जमीन पर आए ना और लोगों की तरह। कहीं मेंटल केस तो नहीं है, अगर उसने खिड़की पे पत्थर वत्थर मारना शुरू कर दिए तो। पत्थर और वो, अरे पागल हुई हो क्या भाई, मुझे तो तफरी मिल गई एंड आई विल एंजॉय इट। अगर उसने किसी को बता दिया तो। वो बता ही ना दे किसी को, अरे तौबा करो, ऐसे लड़के नहीं बताते किसी को, वो तो अपने आप को भी ना बताए, इतना बेवकूफ है। बहुत मजे का सीन हुआ। एक बात बताओ साजिद, ये सारी जिंदगी में तुमने किया क्या है? मामूली सी सरकारी नौकरी और अब ये पेंशन। भाई जो कुछ भी कमाया आपके हाथ पे ला कर रख दिया। हाँ जो कमाया ना उस पे तो ज़कात लगती है।